नमस्ते, वेलकम टू कैनेट टाइम्स। माई सेल्फ मधु, स्टूडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी, एंड हियर आई मेक वीडियोज ऑन एजुकेशन, लर्निंग एंड मोटिवेशन। कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम में मैंने एक वोटिंग पोल किया था, जिसमें मैंने आप सबसे पूछा था कि आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए, जिसमें सब ने कहा, मतलब अधिकतर लोगों ने बोला कि उन्हें हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस पर अगली वीडियो चाहिए। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि आज का टॉपिक मैंने दो पार्ट्स डिवाइड कर दिया है। पहला ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, या उसकी ट्रेट्स कह लो, एंड हाउ टू इम्प्रूव द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, मतलब कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, उसको आप बेहतर बना सकते हो। तो मैंने इस टॉपिक को दो में डिवाइड कर दिया, ज़्यादा आसानी रहेगा मतलब इस पर बात करने में और आपको समझने में भी। तो शुरू करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के ट्रेट। ट्रस्ट ओन जजमेंट। देखो, जो इंसान बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट होते हैं, सबसे पहली चीज़ वो क्या करते हैं, अपने डिसीजंस को, अपने जजमेंट्स को, अपने फीलिंग को खुद में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मतलब उन जो भी डिसीजंस वो लेते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपने करियर को लेके, अपने जॉब्स को लेके, या कोई भी वो टास्क करते हैं, अपने डिसीजन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। एंड सब चीज़ उनमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी 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 होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, दे ट्रस्ट देयर ओन जजमेंट। सेकेंड थिंग इज दे वैल्यू देमसेल्फ। जी हाँ, जो इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, मैं ये बोल सकती हूँ कि खुद को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। मतलब उनमें कोई भी सिचुएशन आ जाए, वो भले उस चीज़ को फेल भी हो जाए, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकते हैं। तो वो अपने वैल्यू को समझते हैं, अपने सेल्फ वर्थ को समझते हैं, और तभी वो एक अच्छे मतलब इंसान बोल लो और एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन भी बनते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इंडिपेंडेंसी। जी हाँ, जो इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। वो वेट नहीं करते कि कोई उन्हें आएगा और बताएगा या हेल्प करेगा। वो अपने आइडियाज़ को लेके, अपने गोल्स को लेके, अपने काम को लेके बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं। तो की इज इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी। नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज हाउ टू इम्प्रूव और जनरेट, मतलब उसको कैसे बेहतर बनाए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को। फर्स्ट थिंग इज टॉक टू योर सेल्फ। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ कि खुद से बात करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अपने आइडियाज़ को बाहर लाना, उन्हें विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है, कि आप जो सोच रहे हो उन्हें पेन कॉपी एक विजुअल फॉर्म में लेके आओ, उस पर बात करो, उस पर काम करो। बहुत ज़रूरी है कि इससे, मतलब इससे ये चीज़ होती है कि आप जब कुछ चीज़ सोचते हो, उस पर बात करते हो, उसके विजुअल फॉर्म में लाते हो, उस पर काम करना स्टार्ट करते हो, तो उससे आप बनते हो एक डिसिप्लिन इंसान, और उससे जनरेट होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट थिंग, टेक रिस्क। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है रिस्क लेना। जो आपको लगता है, जिन कामों से आपको डर लगता है, उन काम को करो, फियरलेस बनो। या कोई भी आपको चीज़ जो डर लगता है, जिन चीज़ों से, और आपको पता है बेकिंग चीज़ आपको बेनिफिट भी होगा, तो बहुत ज़रूरी उन काम को करने में। एंड जब आप फियरलेस बन जाते हो, तो आपके अंदर जनरेट होता है एक कॉन्फिडेंस, आपको लगता है कि या आई कैन डू दैट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक रिस्क। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब डू द थिंग दैट स्केयर्स यू, मतलब बहुत ज़रूरी है रिस्क लेना, और जो चीज़ आपको डर लगता है, और उस पर काम भी करना, बिकॉज इट मेक्स यू फियरलेस, फियरलेस एंड फियरलेस। नेक्स्ट थिंग, डेवलप एसटीएम। देखो, एसटीएम क्या आपको पता है, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और मैं यहाँ पे आई बटन पर लिंक भी कर दूंगी एसटीएम के बारे में। बट इन शॉर्ट ये बोल सकती हूँ कि एसटीएम में आप बुक्स पढ़ो, एक्सरसाइज करो, डेली रूटीन के काम करो, गोल्स पे काम करो, एक अच्छे इंसान बनो, और उनसे क्या होगा आपको पता ही है, एक सेंस ऑफ प्राइड आएगा, डिसिप्लिन बनोगे, मोटिवेटेड बनोगे, सेल्फ वर्थनेस आएगा, एंड पॉजिटिव रहोगे, एंड सारी चीज़ें जनरेट होगी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट। एंड लास्ट थिंग इज वर्क ऑन योर गोल्स। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि अपने गोल्स पे हम काम करें, हम क्रिएटिव बने, बेटर माइंडसेट बने हमारा, हम हार्ड वर्किंग हो, सेंस ऑफ प्राइड हमें जनरेट हो, हमें सेल्फ वर्थ पता चले कितनी हमारी सेल्फ वर्थ है, मोटिवेटेड हो, हैप्पी हो, पॉजिटिव हो, एंड उसके बाद हम एक अच्छे सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान बन पाएंगे और इसे इम्प्रूव भी कर सकेंगे।
इसके अलावा मैं कुछ बुक्स यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी जो कि आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन उसे हिट नहीं किया तो प्लीज़ हिट कर दो, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि आप सबका प्यार और सपोर्ट इंगेजमेंट के फॉर्म में बना रहे इस पेज पे या चैनल पे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और प्यार करो। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगला वीडियो मैं किस पे बनाऊँ, मैं यहाँ पे लाइक कमेंट बॉक्स पे ऑप्शन विजिबल कर दूँगी जब ये वीडियो आएगी। तो आप मुझे बता देना आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी पे। तो तब तक के लिए मुझे प्यार करो, सपोर्ट करो, एंड टिल देन बाय।